हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो आज है 30 जनवरी 2020। तो मिशन नाबार्ड ग्रेड ए के वोकैब सेशन का पार्ट 5 है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाना। तो सेशन शुरू करते हैं। पहला वर्ड है बेल आउट, जिसका मतलब है एन एक्ट ऑफ गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू अ फेलिंग बिजनेस और इकोनॉमी टू सेव इट फ्रॉम कोलैप्स, जिसे हम सिंपली कहेंगे हिंदी में बेल आउट, मतलब रिहा। सेकंड वर्ड है स्टॉल, जिसका मतलब है स्टॉप और कॉज टू स्टॉप मेकिंग प्रोग्रेस, जिसे हम सिंपली कहेंगे कि किसी भी गति में विराम लगा देना। मतलब थोड़ा सा अगर आप चल रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो अगर आप किसी कारणवश काम को नहीं कर रहे हैं या फिर काम छूट रहा है, तो हम उसको बोलेंगे स्टॉल। नेक्स्ट वर्ड है इंसॉल्वेंसी, जिसका मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग इंसॉल्वेंट, जिसे हम कहेंगे दिवालियापन, यानी कि बैंक्रप्सी। फोर्थ वर्ड है रीप द बेनिफिट, ये फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है टू गेट समथिंग गुड एज अ रिजल्ट ऑफ योर ओन एक्शंस। आप सिंपली से सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि दिन रात मेहनत करके जो आपको फल मिला, उसको हम कहेंगे रीप द बेनिफिट। नेक्स्ट वर्ड है ग्लिच, अ सडन यूजुअली टेम्परेरी मेल फंक्शन और फॉल्ट ऑफ इक्विपमेंट, जिसे हम कहेंगे टेम्परेरी किसी चीज़ का ख़राब होना, तो हम उसे कहेंगे ग्लिच। या आपने बहुत सुना होगा, यंगस्टर इन्हें इसे ज़रूर सुना होगा, इन्होंने पबजी गेम में कि ग्लिच हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है क्रीप इन, जिसका मतलब है टू गो इनटू समथिंग और प्ले स्लोली एंड केयरफुली, ये फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है चोरी छुपे आना। नेक्स्ट है आपका ट्रैम्पल, जिसका मतलब है ट्रीट ऑन और क्रश, जिसका हम मतलब कह सकते हैं हम कुचल देना। नेक्स्ट वर्ड है रिडंडेंट, जिसका मतलब है नॉट और नो लॉन्गर नीडेड और यूजफुल, कि निरर्थक, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि अब इसकी उपयोग यूजफुलनेस नहीं है, तो इसको छोड़ देना, तो उसको मतलब होता है रिडंडेंट। नेक्स्ट वर्ड है लिटिगेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शंस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे मुकदमेबाजी, मुकदमेबाजी। नेक्स्ट वर्ड है डेलिमिटेशन, द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्री और लिमिट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है बैंग फॉर द बग, ये भी फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है वैल्यू फॉर मनी, कि कोई चीज़ अगर आपने ली है और उसकी बहुत ही अच्छी चीज़ है वो और बहुत ही अच्छी प्राइस में मिली, तो आप कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी। नेक्स्ट वर्ड है स्पिनाच, जिसका मतलब है द प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और ऑफ यूजिंग स्पाइस, मतलब किसी की निगरानी करना, उसे हम कहेंगे स्पिनियोस। नेक्स्ट वर्ड है शैकल, चेन विद शैकल्स, जिसे हम कहेंगे बेड़ियाँ। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्ब्रेंस, एन इम्पिडेंट और बर्डन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे बोझ। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिफाई, स्ट्रेंथ मेंटली और फिजिकली, जिसका मतलब है सशक्तिकरण, फोर्टिफिकेशन, जिसे हम कहेंगे सशक्तिकरण। ये आपने जरूर वुमेन एम्पावरमेंट में सुना होगा आपने। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है ओमनीबस, अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश सेपरेटली, जिसे हम कहेंगे संग्रह, हिंदी में बुकों का संग्रह ओमनीबस। तो ये था आज का सेशन गाइस, लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बिना नहीं जाना। थैंक यू।